हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। साल 2022 में यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि अविवाहित लड़कियाँ भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। आमतौर पर यह व्रत कठिन माना गया है, क्योंकि इसे पूरे दिन निर्जल रहकर किया जाता है। यह व्रत अविवाहित युवतियों के लिए, अविवाहित कन्याओं के लिए भी खास है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत अविवाहित लड़कियों को कैसे करना चाहिए, करवा चौथ के कौन से ऐसे नियम हैं जो अविवाहित कन्याओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इन करवा चौथ के व्रत के नियमों को ध्यान में रखते हुए व्रत रखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है, और इस बार ये व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विवाहित महिलाएं सर्गी करती हैं, भोजन करती हैं, जिसे सर्गी कहा जाता है, और बाकी के दिन, यानी कि पूरे दिन बिना खाना खाए, बिना पानी पिए रहती हैं, और रात के समय चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत का पालन करती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याओं और महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत के नियम अलग अलग हैं। आइए जानते हैं कि अविवाहित कन्याओं के लिए करवा चौथ व्रत रखने के कौन से नियम हैं। कहते हैं कि कुंवारी कन्याएं ऐसी लड़कियां जिनका विवाह तय हो गया है, सगाई हो चुकी है, वे भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती हैं। अविवाहित लड़कियों को व्रत का पालन सामान्य नियमों के अनुसार ही करना होता है, लेकिन व्रत में पूजा से संबंधित कुछ नियम इनके लिए बदल जाते हैं, जो इनके व्रत को विवाहित महिलाओं के व्रत से अलग करते हैं। कुंवारी लड़कियां निराहार व्रत रह सकती हैं, उन्हें निर्जल व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद वे निर्जल व्रत रखें, क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इसलिए आपके लिए न तो सर्गी होगी और न ही वायना निकालेंगी। कुंवारी लड़कियां केवल करवा चौथ माता भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करें और उनकी कथा सुने। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याएं चांद को देखकर, चंद्रमा को देखकर व्रत नहीं खोल सकती, चंद्रमा को देखकर व्रत नहीं खोलना चाहिए। वे तारे को देख करके व्रत का समापन कर सकती हैं। तारों को जल का अर्घ्य देकर पूजन करें और फिर व्रत अपना खोल सकती हैं। आइए जानते हैं कि साल 2022 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर प्रातःकाल 1:59 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर प्रातःकाल 3:08 पर। और करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 13 अक्टूबर शाम के 5:54 से 7:09 तक। और करवा चौथ के दिन जो चंद्रमा के उदय होने का समय है, वो है रात्रि के 8:09 पर।
आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत के नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह तय हो गया है, जिनकी सगाई हो चुकी है, जिनका रिश्ता हो चुका है, वे भी ये व्रत कर सकती हैं, क्योंकि मतलब फर्क इतना है कि कुंवारी कन्याओं के लिए पूजा विधि और व्रत के नियम अलग होते हैं। अगर अविवाहित लड़कियां इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें करवा चौथ व्रत के नियमों का पालन करना जरूरी है, और इन नियमों का पालन करते हुए वे व्रत को रख सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो कुंवारी कन्याएं हैं करवा चौथ व्रत करना चाहती हैं, उन्हें ये व्रत निर्जल नहीं रखना चाहिए। अविवाहित लड़कियां इस व्रत को निराहार रख सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निर्जल व्रत में पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही कुंवारी लड़कियों को सर्गी भी नहीं मिल पाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के व्रत में कुंवारी लड़कियों को सिर्फ शंकर पार्वती की पूजा करने के बाद करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। अविवाहित लड़कियों के लिए आज के दिन चंद्रमा की पूजा का कोई विधान नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी लड़कियों को करवा चौथ के व्रत पर चंद्रमा की बजाय तारे को देखकर व्रत का पारण करना शुभ माना गया है। साथ ही व्रत में इस्तेमाल होने वाले करवे की जगह पानी से भरा हुआ कलश का उपयोग करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के व्रत में छलनी से चांद देखने की परंपरा सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए होती है, इसलिए करवा चौथ पर कुंवारी कन्याओं को छलनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।